नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यूएई में जारी इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कप्तानी पर उठे सवालों के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ दी। कार्तिक ने यह फैसला अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने के खातिर किया है, ऐसी बातें कही जा रही है। कार्तिक के कप्तानी छोड़ने के बाद इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। इस बीच टीम के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने कार्तिक के इस फैसले के बाद एक ट्वीट किया, जिसको इस मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। कार्तिक की कप्तानी छोड़ने की खबर के कुछ देर के बाद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया और इसमें लिखा, विरासत को बनाने में कई साल लगते हैं लेकिन बर्बाद करने में बस एक मिनट। गंभीर के इस ट्वीट से हालांकि किसी निष्कर्ष पर नहीं जाया जा सकता, लेकिन उन्होंने किसको लेकर ऐसा ट्वीट किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे टीम मैनेजमेंट पर निशाने को लेकर जोड़ रहे हैं। गौतम के आईपीएल में कप्तानी की बात करें तो उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता की टीम को दो बार चैंपियन बनाया है। 2018 के आईपीएल शुरू होने से पहले दिनेश कार्तिक को गौतम गंभीर की जगह टीम का नया कप्तान चुना गया था। गंभीर ने हाल ही में सलाह दी थी कि दिनेश कार्तिक को इयान मॉर्गन और आंद्रे रसल के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए। गंभीर ने इसके साथ ये भी कहा था कि सुनील नारायण से पारी की शुरुआत करने के बजाय उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतारना चाहिए। दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान एक तरीके से कर सभी को हैरान कर दिया था। टीम के शुरुआती मुकाबलों में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी कप्तानी पर काफी आलोचना हो रही थी। हालांकि टीम ने शानदार तरीके से वापसी भी की थी और दो बेहद करीबी मुकाबले जीते थे, लेकिन कार्तिक ने इंग्लैंड के विश्व कप जिताने वाले कप्तान इयान मॉर्गन को कप्तानी का जिम्मा सौंप कर सभी को हैरान किया। एक ट्वीट में केकेआर की तरफ से लिखा गया, दिनेश कार्तिक और इयान मॉर्गन ने साथ मिलकर इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा काम किया है और अब कप्तानी का जिम्मा इयान ही संभालेंगे। ये एक दूसरे की भूमिका को बदलने जैसा होगा। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब किसी टीम के कप्तान को यूं अचानक से ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी गई है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स जब दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, तब गौतम गंभीर ने बीच टूर्नामेंट में कप्तानी का जिम्मा युवा श्रेयस अय्यर को सौंप दिया था। इसके अलावा 2013 में भी रिकी पोंटिंग ने कप्तानी का जिम्मा बीच टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को दे दी थी। आपको बता दें, कोलकाता ने दिनेश कार्तिक को 2018 में आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले कप्तान बनाया था और उस समय टीम को दो बार खिताब जिताने वाले गौतम गंभीर को रिप्लेस किया था। कार्तिक ने केकेआर के लिए दो आईपीएल सीजन 2018 और 2019 में पूर्ण रूप से कप्तानी की। उनके कार्यकाल में टीम 2018 में प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही और 2019 में पांचवें नंबर पर रही थी। इस साल दिनेश कार्तिक की कप्तानी में टीम ने 7 मैच खेले, जिसमें से 4 मैच जीते, वहीं 3 मुकाबले हारे। दिनेश कार्तिक ने जब टीम की कमान छोड़ी तब टीम पॉइंट्स टेबल में 4th नंबर पर थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।